तो आज जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं उसका नाम है CCT चेस्ट एब्डोमन, यानी कि चेस्ट और एब्डोमन दोनों प्रोसीजर्स हम एक साथ करेंगे। इस प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं वो आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले जो हमने NS जो है हमने ऑलरेडी लोड किया है, इसमें NS जो है 98 ml है। इसके बाद हम ये लोड करेंगे, ये है ओमनी पैक जो कंट्रास्ट हम देते हैं पेशेंट को, वो हम लोड करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, जो 100 ml की वायल है इसको हम खोलेंगे सबसे पहले, इसको यहाँ से इसमें डिप करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे। जो हमारा कंट्रास्ट है वो हम इसमें इंजेक्टर में भरेंगे। इसमें नंबरिंग यहाँ पे चेंज हो रही है कि कितने ml हमने भर दिए हैं इंजेक्टर में कंट्रास्ट। इसमें कुछ ईयर भी है, 112 ml है, यानी कि 112 ml है, लेकिन इसमें कुछ ईयर भी है वो हम बाहर निकालेंगे। तो इसमें 97 ml रह गए हैं, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो जो हम हाइड्रोकार्ट होते हैं जो हम एलर्जी के लिए देते हैं हाइड्रोकार्ट के इंजेक्शन, वो हम इसमें लोड करेंगे। ऑल CCT प्रोसीजर्स के लिए एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है KFT। KFT में क्या क्या देखते हैं, एक तो यूरिया देखते हैं, दूसरा हम क्रिएटिनिन देखते हैं। ये विद इन द लेवल होना चाहिए तभी हम ओमनी पैक यूज़ कर सकते हैं। इस पेशेंट की जो यूरिया है वो है 34.70 mg/dL, इसका जो हाइस्ट रेंज है वो है 43, इसका 34 यानी कि विद इन रेंज है। दूसरा है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन की हाइस्ट रेंज इसमें दी गई है 1.17 और इसका क्या है 0.94। चूँकि ये नॉर्मल है तब हम कर सकते हैं इसको CCT एब्डोमेन, CCT चेस्ट, जो भी कंट्रास्ट एनहांसर प्रोसीजर्स होंगे वो सब हम कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का इंपॉर्टेंट है कंसल्ट लेना, उसको अवेयर करना कि हम क्यों दे रहे हैं कंट्रास्ट, इससे कोई रिएक्शन तो नहीं होगी, अगर होगी तो फिर क्या किया जा सकता है और इसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं प्रोसीजर हैं, वो सब इसको अंडरस्टैंड करवाना है पेशेंट को भी और अटेंडेंट को भी। उसके बाद इसका कंसेंट यानी कि सिग्नेचर लेना है। थ्री वे को हम ऐसे ओपन करेंगे, इसको हम लगाएंगे, इसको हम पहले ही लगाते थे लेकिन अब हम इसको लगाएंगे, इसको हमने नहीं लगाया, अब हम इसको लगाते हैं। इसको यहाँ से हम करते हैं आराम से, ज़ोर से पकड़िए ताकि ब्लड फ्लो बैक ना हो, और इसको एडजस्ट करिए आराम से। उसके बाद जो हमने हाइड्रो कार्ड लिया था वो हम इसको हम पहले ऑफ करेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे, यहाँ पे इसको करके इसको हम खोलेंगे आराम से, पुश करेंगे, बस ये ठीक है। इसके बाद हम पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे। तो CCT चेस्ट एब्डोमेन हम कर रहे हैं, इसके लिए हम जो हम सेंटरिंग की लाइन रखेंगे वो हम इसको चिन पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जो सेकंड वाली लाइन देख रहे हैं हम इसको चिन पे रखेंगे। पेशेंट को हमने ऑलरेडी ब्रेथ होल्ड का बोला हुआ है। इसके बाद हम लेज़र लाइट जो है उसको ऑफ करेंगे। तो हमारे पास जो दो सिस्टम है ये और ये, इस पर हम पेशेंट की डिटेल लिखते हैं। तो हमने लिख दिया पेशेंट का जो है पेशेंट ID लिख दिया हमने, इसके बाद जो हमने लिख दिया है पेशेंट का नाम, डेट लिख दिया, एज लिख दिया हमने, उसके बाद पोजिशनिंग जो हमने दे दी है फीट फर्स्ट, उसके बाद जो हमें प्रोसीजर करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम नीचे जो है इंट्रा एग्जाम प्रोटोकॉल, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। ये जो है एब्डोमेन CT एब्डोमेन, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है CCT एब्डोमेन, इस वाले पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गो का ऑप्शन आ रहा है तो हम गो पे क्लिक करेंगे। यह हमें इंस्टॉल यहाँ पे दिखा रहा है कि भी। उसके बाद हमें आ गया प्रेस मैनुअल टू स्कैन, उसके बाद हम प्रेस मैनुअल के लिए यहाँ पे प्रेस मैनुअल, इसके बाद क्लिक करेंगे प्रेस मैनुअल पे, स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉप आ गया है यहाँ पे, इसमें हम एरिया सिलेक्ट करेंगे कि कितना एरिया हमें लेना है, क्योंकि हमें चेस्ट एब्डोमेन दोनों लेने हैं, इसलिए हम चेस्ट से सिलेक्ट करके पेल्विस तक ले लेंगे, उसको साइड से और
थोड़ा खोलेंगे, ये जब सेंटर लाइन है इसको हम वर्टिब्रा के बीच बीच लाएंगे। इसके बाद हमारा एनसीटी थिन है, यहाँ पे लिखा है एनसीटी थिन। उसके बाद है लंग विंडो, चूंकि हमें सीटी चेस्ट भी करना है इसमें, तो लंग विंडो तो आएगी। उसके बाद है एब्डोमेन पेल्विस, जो पहला है आर्टेरियल फेज, उधर पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम इसमें क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे ताकि आर्टेरियल फेज बन जाए और पोर्टल फेज बन जाए। इसके बाद आर्टेरियल फेज का एरिया हमने सिलेक्ट किया है ये। इसके बाद यहाँ पे इंजेक्शन का साइन, इस पर हम क्लिक करेंगे और टाइम हम ले लेंगे। जो हम टाइम सिलेक्ट करेंगे, जो इसका पहला फेज है उसका टाइम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बल्कि पेशेंट है इसको हम 20 सेकंड्स का आर्टेरियल फेज दे लेंगे। उसके बाद जो पोर्टल फेज है ये इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देख सकते हैं टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो 48 सेकंड्स आ गया, जो कि ठीक है। इसके बाद हम सारे स्कैन जो है अच्छे से चेक करेंगे, टाइम आउट हुआ है अच्छे से, ऑटोमेटिकली एंट्री से बाहर आएगा और यहाँ पे जो स्कैन होना स्टार्ट हो जाए, स्लाइसिस के आएंगे। नीचे और ऑप्शन ओके, तो ओके पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन आ रही है कि रिकंस्ट्रक्टिंग हो रही है स्लाइसिस के, मतलब स्लाइस देखिए कि इसमें जो हमें चेस्ट में चाहिए, क्योंकि स्टमक का की इसकी पैथोलॉजी है, तो हम इसको देखिए। तो ये जो है हम इसको अब सेट करेंगे इंजेक्टर को, ये कंट्रास्ट हमारा, और ये जो है हमारा NSA, इसको हम सेट करेंगे स्पीड के साथ। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ से 101 ml इसको हम क्लिक करके हम इसको दे देंगे। इसके बाद पेशेंट का वेट है वो 40 kg है, इस हिसाब से इसको हम 60 दे देंगे, क्योंकि हमें एक्सटेंशन भी चाहिए। स्पीड देंगे हम 3.5, और जो नॉर्मल स्लाइन है वो हम 30 ml देंगे। स्पीड देंगे हम इसको 3.0 या कम भी हम दे सकते हैं, इसमें कोई उतना इशू नहीं है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टिक करिए, और इसके बाद जो है हमारा इंजेक्टर रेडी हो गया है। हमें दिखा रहा है कि अब आपको रिमोट से इसको क्लिक ही करना है, तो हमारा जो इंजेक्टर है वो रेडी हो गया। आप जो आप देख रहे हैं प्रेस ऑटो स्टार्ट टाइमर सीरीज दिखा रहा है, उसके साथ हमें इंजेक्ट करना है कंट्रास्ट। प्लीज़ इंजेक्ट कंट्रास्ट स्टार्ट स्कैन वेन रेडी, जब स्टार्ट हो जाएगा स्कैन। उसके साथ जैसे हम स्टार्ट करेंगे इंजेक्ट करना कंट्रास्ट, तो 20 सेकंड के बाद आर्टेरियल फेस खुद ही आ जाएगा, आप देखते रहिए। हम करेंगे ये जो है ब्लू वाला, इस पर क्लिक करेंगे, और जो ऑटो स्कैन है इस पर एक साथ क्लिक करेंगे, ताकि जो है कंट्रास्ट पेशेंट के अंदर इंजेक्ट हो जाए। तो जो कंट्रास्ट है वो इंजेक्ट हो रहा है, और जो टाइम है वो वहाँ पे मशीन पे जो एंट्री पे डिस्प्ले दी गई है वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वो कंट्रास्ट वो ना जो टाइमर दिया गया है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आर्टिकल फेज बहुत ही अच्छा आ रहा है हमारा। उसके बाद आ जाएगा हमारा पोर्टल फेज, 35 सेकेंड उसका जो पोर्टल फेज था उसकी टाइमर भी हो गई है, टाइम हो गया उसका, तो वो भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमें पोर्टल फेज बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखो तो हमारी जो स्लाइस आ रही है वो हमें आ रही है, जो कि मैंने आपको यूरोग्राफ में बताया था कि कैसे हम जो आरटीओ फेज देते हैं फिर पोर्टल फेज कैसे लेते हैं, सेम इसमें भी लेते हैं। बाकी जो इसके स्लाइस है वो रिकनसेक्ट हो रहे हैं, इसमें जो हमें डिले फेज है वो ज़रूरी नहीं होता है। जो हमें यहाँ पर रिपीट लास्ट सीरीज आ रहा है इसमें हम क्लिक करेंगे, ये वाला स्कैन जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम कभी कभी ले लेते हैं एक्सक्रीशन के लिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, पैथोलॉजीज होती हैं कभी एक्सक्रीशन में, तो उसमें जैसे हम ये वाला स्कैन भी ले लेते हैं, 5 मिनट डिलेड वाला स्कैन भी हम ले लेते हैं। तो हमें फिर से दिखा रहे हैं प्रेस मैनुअल स्कैन, तो हम प्रेस मैनुअल पर क्लिक करेंगे।
पेशेंट जो ऑटोमेटिकली गैंट्री से बाहर आएगा और हमारे जो स्लाइसिस हैं इसके डिलेड फेज के वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे और एक्सट्रेशन जो है किडनीज की वो भी आ रही है अच्छे से, तो हम इसको ओके करेंगे, रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तब तक पेशेंट को छोड़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट के जो स्लाइसिस हैं वो पूरे आए हैं, जो स्टडी हमारी है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे हम HCT5 स्लाइसिस हैं वो यहाँ पे आ रही है, हमें नहीं चाहिए होता, हमें HCT3 चाहिए होता, उस पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे जो HCT3 है वो कम्प्लीटली आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, चूँकि कम्प्लीट आया हुआ है। इसके बाद जो हम आरटीएल फेज देखेंगे, थिन वाला आरटीएल फेज ये भी हमारा अच्छा आया है, तो हमने टोपो डाल दिया है जो कि सीसीटी चेस्ट एब्डोमिन है। इस पे हम सबसे पहले जो है चेस्ट की जो है फिल्म डालेंगे, वो भी लंग विंडो में, लंग विंडो में इंपॉर्टेंट है इसकी पहली फिल्म डालनी, चेस्ट की सारी पैथोलॉजी जो है वो मोस्टली लंग विंडो में आती है। यहाँ से हम इसको बैच पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे चेस्ट एंड होगा वहाँ पे उसको एंड करेंगे, जहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया क्योंकि एक स्लाइस ऑलरेडी वहाँ पे उसको कैप्चर किया हमने। फिर से सीरीज पे जाएंगे, HCT थीम पे हम देखिए और इसकी जो है हमें डालनी है फिल्म, तो जहाँ से लेवल स्टार्ट होता है इसके हमें एक्चुअली जो चेस्ट है उसमें हमें दोनों देनी है, मीडियास्टिनल भी और लंग विंडो भी, चूँकि इसका प्लूरल फीचर है तो ये जो आएगा ये मीडियास्टिनल विंडो में आ जाएगा। तो जहाँ से लेवल स्टार्ट होता है वहाँ से हम इसकी दूसरी फिल्म दे देंगे, तो बैच पे क्लिक करके हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे अप डाउन एंड होता है नॉन कंट्रास्ट पहली बोर्ड फ्यूज हो रही है यहाँ तक हम इसको देखेंगे, हम उसको एंड करेंगे, स्लाइस थिकनेस हम 1 रखेंगे और स्लाइस करेंगे 14, लेआउट हम सेम रखेंगे जो हमने पहले रखा, कैप्चर किया हमने दूसरी फिल्म वो फिल्म यहाँ पे। इसके बाद हम फिर से सीरीज पे जाएंगे और HCT थीम जाएंगे, चेस्ट देखेंगे पहले HCT चेस्ट, क्योंकि चेस्ट है, चेस्ट में आगे का फेज जो है इम्पोर्टेंट देन होता है। यहाँ तक CCT चेस्ट एब्डोमेन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।